हेलो एवरी वन एन होप यू ऑल आर डिंग वेल मैं हूँ का होस्ट एंड दोस्त पुनीत और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको डी जे आई के न्यू एफ पी वी ड्रोन के बारे में जो कि डी जे आई ने जस्ट अनाउंस किया है तो डी जे आई का ऑलरेडी एक एफ पी वी ड्रोन दो साल पहले या अराउंड वन एंड हाफ ईयर बैक डी जे आई ने अनाउंस किया था डी जे आई एफ पी वी और उस ड्रोन के साथ में देखिए वो ड्रोन मैंने चलाया है पर्सनली एंड uh, बहुत ही अच्छा ड्रोन है नो no डाउट एफ पी वी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर उसके साथ में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी बिकॉज ऑफ वो साइज में बहुत बड़ा था और रेजोल्यूशन वाइज भी जो उसका सेंसर था वो काफी छोटा था और कुछ बेसिक और प्रॉब्लम ही हमें उस ड्रोन के साथ में देखने को मिली थी दैट्स वाई वो इतना ज्यादा मार्केट में पॉपुलर नहीं हो पाया अभी भी मेरे कुछ दोस्त यूज कर रहे हैं उस ड्रोन को एंड आई थिंक इट्स अ रियली डिसेंट ड्रोन अगर आपको एफ पी वी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने हैं बट अभी जो डी जे ने नया मिनी एफ पी वी ड्रोन अनाउंस किया ना इट्स गोइंग टू बी द द्रेजीएस डील्स अवेलेबल इन द मार्केट So, ये जो ड्रोन है मेनली टारगेट किया जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग सिनेहूप यूजर हैं जो कि खुद से ड्रोन को बनाते हैं ठीक है छोटे जो मिनी रेसिंग वाले ड्रोन फास्ट स्पीड वाले ड्रोन आते हैं बेसिकली ये उसी का ही एक नया होने वाला है सबसे अच्छी चीज है बना बनाया आपको आपको मिलेगा ऑल दी सिक्योरिटी फीचर्स जो कि जनरली जब आप एक ड्रोन बनाते हो तो फीचर्स उसमें मिसिंग रहते हैं फिर डीजेआई की रिलायबिलिटी इज देयर जो कि सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल यू नो फिल्म मेकिंग के टाइम पे सो so, सिने वो जनरली में इन दिनों में बहुत ज्यादा यूज आने लगे हैं कमर्शियल फिल्म मेकिंग के अंदर साथ साथ में ट्रैवल फिल्म मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज आने लगे और मुझे खुद को भी एक एफ ड्रोन चाहिए था मिनी एफ ड्रोन चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली जो अभी अगर आप सिने खुद से बनाओगे तो इट विल कॉस्ट यू अलॉट सेवेंटी एटी थाउजेंड का पड़ता है ठीक है फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके साथ में आप जीपीएस और वो सारी प्रॉब्लम रहेगी रिटर्न टू होम का फीचर नहीं होगा और बैटरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर आप एक सिनेमो ड्रोन खुद से बनाओगे तो वो पाँच छः मिनट से ज़्यादा नहीं उड़ पाते उनको उड़ाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है बिकॉज उनमें कोई नॉर्मल मोड अवेलेबल नहीं होता वो चलेंगे तो एक की स्पीड पर ही चलेंगे जो कि बहुत हाई स्पीड होती है तो उसमें कंट्रोल करना भी ड्रोन को बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन डी जे ले आया है इस ड्रोन के साथ में अब आपने देखा है देखिए फिल्म मेकिंग किस तरीके से इवॉल्व हो रही है हम लोग पहले नॉर्मल सॉर्ट ऑफ यू नो ट्रेडिशनल वीडियोस बनाया करते थे ट्रेडिशनल ड्रोन शॉट्स हुआ करते थे नाउ बट अब अगर आप देखेंगे तो वीडियो में भी सिनेमैटिक लुक्स आने लग गए हैं फुल फ्रेम 4K, के टेन बेट के सब कुछ आ गया है ड्रोन में भी ये सब कुछ आ गया है बट अब ड्रोन में जो जो नॉर्मल फिल्मिंग का तरीका है ना वो चेंज हो रहा है वो आ रहा है अब एफ की तरफ फास्ट मोशन वीडियोस की तरफ स्पीड वाले वीडियोस की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा आई प्लीजिंग लगते हैं और डीजेआई ने ये बहुत अच्छी पहल करी है टू कम अप विद दिस सॉर्ट ऑफ अ ड्रोन जो कि बजट के अंदर आने वाला है अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर के बीच में इसकी प्राइसिंग डीजे ने रखी है यूएस की इंडिया की प्राइसिंग के बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आएगा देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम ये जो सॉल्व करेगा ड्रोन वो है फ्लाइंग टाइम का तो इस ड्रोन में जो अराउंड आपको एटीन मिनट्स का टाइम मिलने वाला है फ्लाइंग का और फ्लाई मोर कॉम्बो आएगा और तीन बैटरीज मिलेंगी और अट्ठारह मिनट बहुत होते हैं एफ ड्रोन के लिए अट्ठारह मिनट बहुत होते हैं इससे पहले मैंने एफ ड्रोन उड़ाए हैं पांच मिनट से ज्यादा का बैटरी बैकअप नहीं मिलता आपको किसी भी ड्रोन में तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो लोग हार्डकोर एफ पी वी यूजर्स हैं जो सिनेहूप चलाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है दूसरा है इसमें लगा लगाया कैमरा आएगा अदरवाइज अगर आप सिनेहूप कोई ड्रोन बनाते हो तो आपको गोब्रो वोब्रो उसपे लगाना पड़ता है ठीक है तो अब जो इसमें कैमरा आपको मिलेगा वो हाफ इंच सेंसर वाला मिलेगा सेम हाफ इंच हाफ इन सेंसर जो आपको DJI मिनी 3 प्रो में देखने को मिल रहा था और ये बहुत ही डिसेंट सेंसर है बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटोजेस रिकॉर्ड कर सकता है और सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिलेगी कि आपको इसमें आप 4K 60 फ्रेम का सपोर्ट मिल जाता है अगर आप कोई कमर्शियल शूट कर रहे हो कोई आर्ट शूट कर रहे हो या अपना खुद का कोई पर्सनल कॉन्टेंट शूट कर रहे हो तो फोर के इट्स लाइक इनफ टू गो विथ इन टर्म्स ऑफ वेट ये बहुत लाइट वेट बिल्डअप किया गया है तो इसका बैटरी के साथ में जो वेट आने वाला है वो आने वाला है 490 नाइनटी ग्राम्स का अफकोर्स ये 250 ग्राम से कम में या 250 ग्राम की कैटेगरी में नहीं आएगा फोर नाइन्टी से होगा तो ऑफकोर्स आपको लाइसेंस की तरफ जाना पड़ेगा अगर आप इस ड्रोन को यूज़ करना चाह रहे हैं फोर नाइनटी ग्राम इज ऑल्सो डिसेंट बिकॉज इससे पहले जो मैंने सिनेस चलाएं हैं वो भी अराउंड इतने ही वेट के बीच में आते हैं तो इट्स अ डीसेंट शॉर्ट ऑफ अ वेट एक चीज ये है कि आप इसके यू you नो know, प्रलर्स को एक जैसे हम लोग ट्रेडिशनल डी जे ड्रोन में घुमा करके बिल्कुल छोटा करके रखते थे वैसे नहीं कर सकते वो फिक्स सॉर्ट ऑफ यू you नो know, प्रपेलर इसके ओपन होकर के आपको मिलेंगे एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ में डी जे आई गार्ड्स को बंडल कर रहा है प्रपेलर गार्ड्स इज ऑल्सो देयर तो यू नो कहीं टकराएगा वक्रेगा ड्रोन तो आसानी से यू नो डैमेज नहीं होगा ये भी एक बहुत अच्छी चीज के के साथ में है है तो बंडल के अंदर DJI जो है वो इसका एक मोशन कंट्रोल रिमोट दे रहा है साथ साथ में डीजे ने नए गॉगल्स लॉन्च किए हैं तो अगर आप सेकेंड जनरेशन गॉगल्स परचेस करना चाहते हैं इसके साथ में तो उसकी प्राइसिंग अलग है वो अराउंड चौदह डॉलर से साढ़े तेरह डॉलर के बीच में आने वाली है और अगर आप ओल्डर जनरेशन गॉगल्स की तरफ जाएंगे जनरेशन वन में तो वो अराउंड आपको 1200 डॉलर से 1100 डॉलर के बीच में इसकी प्राइसिंग जो है वो देखने को आपको मिलती है तो नए गॉगल्स के अंदर ये है कि आपको फुल एस ट्रांसमिशन और 8 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है ये एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने ऐड करी है स्पेशली और कम्फर्ट comfort, कम्फर्टेबल है साइज में छोटे हैं सबसे बड़ी बात है कॉम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ यू नो डिजाइन के बनाए गए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ये ड्रोन लें तो नए वाले गॉगल्स की तरफ ही जाइएगा बेटर ऑप्शन है इसके साथ साथ मैं इस ड्रोन में आपको फुल मैनुअल मोड मिलने वाला है तो अब फुल मैनुअल मोड का मतलब ये है कि आप 150 किलोमीटर की रफ्तार पे इस ड्रोन को उड़ा सकते हो ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने इस गेम इस सॉरी ये बहुत ही अच्छी चीज़ इस ड्रोन में डीज ऐड करके लेके आए तो आपको फ्री मोड अवेलेबल है आप वन कि किलोमीटर की स्पीड पे आप इसे ड्रोन को उड़ा पाओगे बड़ा मज़ा आने वाला है डेफिनेटली इस ड्रोन को चलाने में और ये बजट कैटेगरी में आने वाला ड्रोन है एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि डी जे आई मिनी थ्री प्रो जो आपने अभी रिसेंट देखा हो तो बेसिकली है उसी की तरह एक ड्रोन इन्होंने एफ पी वी में लॉन्च कर दिया सेंसर वेंसर और कैमरा एग्जैक्ट सेम है और जो इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ अपग्रेड किए गए वो है स्पीड और एफ पी वी वाले ऑप्शन इसमें डाल दिए गए हैं तो ये एक अच्छी चीज़ डी जे आई ने इसमें कर दी है और देखिए मैं मिनी थ्री ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ मिनी थ्री प्रो और बहुत अच्छा ड्रोन है क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है बट अब अब ये कंसर्न ये रहेगा कि मैं क्या मिनी थ्री लूँ या नहीं लूँ क्योंकि मैं मिनी थ्री सोच रहा था परचेज़ करने का बट अब मुझे एफ वैसे मुझे था क्या मुझे एफ ड्रोन चाहिए तो नाव आई थिंक मैं एफ ड्रोन की तरफ ही जाऊँगा और ये एक बहुत अच्छा ड्रोन रहेगा अगर आप इवन वेडिंग वेडिंग के लिए भी ले रहे हैं ना सोच रहे हैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ़ द ग्रेट ऑप्शन बिकॉज क्योंकि आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे ना इसको शूट करते टाइम पे इसको यूज़ करते टाइम पे जो आपकी क्रिएटिविटी को और अच्छा बनाएगा और जो एरियल फुटेजेस आपको आप अपने क्लाइंट को जब डिलीवर करोगे तो वो भी आपको बहुत अच्छी यू नो क्लाइंट को लगेगी फील होगी तो एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल और वेडिंग के अंदर डेफिनेटली ये ड्रोन मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग यूज़ करेंगे और बहुत सारे लोग आई गेस इसका वेट भी कर रहे होंगे इंडिया में इसकी प्राइस मुझे लगता है अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो खरीदेंगे तो एक लाख पच्चीस से तीस हज़ार के आसपास आनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल प्राइसिंग के अकॉर्डिंग है तो लेट्स सी के इंडिया में किस प्राइस में आता है और कब तक अवेलेबल होता है तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यार एफपीवी ड्रोन में भी एक बेसिकली यू नो चेंज आ रहा है अब आपको खुद से एफ पी वी ड्रोन बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है डीजे आपको एक बनी बनाई किट दे रहा है और डीजे ने एक इतने बड़े मार्केट जो कि एक बहुत बड़ा एफ पी वी का मार्केट था उसमें भी अपना शेयर होल्ड करने का माइंड सेट कर लिया है तो बहुत अच्छा ड्रोन है नो डाउट जब भी मेरे पास होगा मैं डेफिनेटली इसका वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो स्टेट यून रहिएगा थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट यून एंड कीप शूटिंग